है कि प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल करके हरेक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए एक मंच दिया, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें गौरव के साथ आगे बढ़ने का। भाइयों बहनों, जब आज हम यहाँ पर लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों गोरखपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पिछले सप्ताह ही वहाँ पर एक चिकित्सक ने, जो ENT के सर्जन हैं, 150 बच्चों का कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई संपन्न की और उसमें एक बालिका तो इतनी सफलतापूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ा रही। इस समय वह हाई स्कूल की परीक्षा देकर के सफलतापूर्वक अच्छे अंकों से उसने इसमें अर्जित किया और जब मेरे साथ उसका संवाद हो रहा था तो वह बहुत अच्छे ढंग से, लगता ही नहीं था कि कभी वह मूक बधिर रही होगी। यानी चीजें दिखाती हैं कि हमें विज्ञान के साथ, तकनीक के साथ अपने दिव्यांगजनों को जोड़ना पड़ेगा। सरकार कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही, सहायता के लिए उपलब्ध करा रही है। अनेक ऐसी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं जिन योजनाओं का लाभ अगर हम उन सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवा सकें या संस्थाओं को उपलब्ध करा सकें तो उन्हें भी सामान्य मनुष्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रदेश के अंदर चाहे वह दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य रहा हो, राज्य सरकार ने 2017 में इस कार्य को आगे बढ़ाया। कुष्ठावस्था पेंशन को 2500 करने का कार्य भी प्रदेश में वर्तमान में चल रहा, प्रदेश सरकार वर्तमान में उपलब्ध करवा रही है और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए भी प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए भी, दिव्यांग जनों की शादी के लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर अगर वह 40% दिव्यांग है तो दंपति को दिव्यांग होने की स्थिति में 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर यानी युवक के 15,000, युवती के 20, दिव्यांग होने पर 20,000 और दोनों अगर दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही अगर कोई दिव्यांगजन स्वयं का व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहता है तो दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपये, कोई स्ट्रीट वेंडर के लिए अपना कार्य करना चाहता है 10,000 रुपये की राशि भी उन्हें प्रदान करती है। इसी प्रकार से तमाम अन्य सर्जरी आदि के कार्य के लिए भी प्रदेश सरकार उन्हें 10,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराती है। और यही नहीं, दिव्यांग जन को हम लोगों ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 50 सीटें दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित की गई हैं और उन्हें इस बात के लिए, जिससे उनको अपनी डिग्री लेने में और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यही नहीं, आप सब जानते हैं, अभी जैसे विभाग के मंत्री सैनी लाजभर जी बता रहे थे कि प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया, भारत सरकार की तर्ज पर ही, कि दिव्यांगता की कैटेगरी को, जो कि पहले 7 कैटेगरी जानी जाती थी, उसको 21 तक पहुंचाने और साथ साथ उन्हें शासकीय सेवाओं में आरक्षण की स्थिति का लाभ मिल सके, इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया है, जो प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू हो चुका है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यक्रम दिव्यांग जनों के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। आज जब हम लोग इस अवसर पर यहाँ एकत्र हैं, मैं इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं और जो संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं,
वे शासकीय संस्थाएं भी होंगी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी होंगी, धर्मार्थ संस्थाएं भी होंगी, मेरा उन सब से अपील होगा कि एक बहुत पुण्य के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और इस पुण्य के कार्य के साथ जुड़ते हुए उन्हें मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए शासन की योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और जैसा कि वे कार्य कर रहे हैं, उनके इन कार्य के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें पुरस्कृत भी करती है। आज के इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ।